वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मैं आपके सामने आ गया हूँ हुंडई वेन्यू के एक और वेरिएंट को लेकर जिसमें 2023 में अपडेट्स हुए हैं। ये आपके सामने खड़ी है हुंडई वेन्यू का एस वेरिएंट जो कि बेस ई से एक ऊपर वाला है। इस गाड़ी में टोटल तीन चेंजेस हुए हैं, एक इसके इंजन में, एक एक्सटीरियर में और एक इंटीरियर में। तीनों चेंजेस दिखाऊंगा, साथ में फटाफट आपको क्विक फीचर्स बताऊंगा जिससे आपको सब कुछ आइडिया रहे इस गाड़ी में क्या आता है। तो दोस्तों समय नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों इस गाड़ी की प्राइसिंग बता देता हूँ। तो प्रेजेंट में इसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 889,600 रुपीज़, जिसमें मैं कंपलसरी चार्जेस, आरटीओ, इंश्योरेंस, बेसिक एसेसरीज, वारंटीज ऐड कर दूँ तो तकरीबन यूपी में ऑन रोड पड़ रही है 10,35,000 रुपीज़ की। दोस्तों ये गाड़ी से 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले हम एक्सटीरियर में क्या हुआ है चेंज। तो देखिए इसके व्हील कैप्स में चेंज किया गया है, व्हील कैप्स के कलर को चेंज किया है। पहले ये व्हील कैप्स जो है सिल्वर कलर के आते थे, जिनको चेंज करके यहाँ पे ग्रे ब्लैक स्टोन, ऐसे देखिए ये व्हील कैप्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कलर को अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो वो सेम R15 इंच के व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं। तो यानी एक्सटीरियर से अगर आपको ये कलर के व्हील्स दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए ये 2023 अपडेटेड हुंडई वेन्यू आप देख रहे हैं। चलिए अब फटाफट एक्सटीरियर में यही एक चेंज है। इसके अलावा अब मैं जो भी फीचर्स आपको बताने जा रहा हूँ वो सब कुछ पहले भी हुंडई वेन्यू के एस वेरियंट में आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ग्रिल आप चेक कर सकते हैं, डार्क क्रोम ग्रिल है जो कि जब हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट आई थी 2022 में तब से ये लुक आ रहा है, और इस लुक से आने के बाद से ये गाड़ी फ्रंट से और ज़्यादा हैवी देखिए दिख रही है। चलिए बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की। तो यहाँ पे इस वेरिएंट में आपको नॉर्मल हैलोजन रिफ्लेक्टेड लैंप्स मिलेंगे। DRL लाइट्स ये वेरिएंट कवर नहीं करता है। ऊपर की तरफ टर्न इंडिकेटर चेक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं जरा साइड प्रोफाइल की तरफ। तो वेन्यू एस वेरिएंट में भी दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर्स जो हैं वो फेंडर पे दिए हुए हैं, मिरर्स पे प्लेस नहीं है। बाकी मिरर्स, हैंडल्स, बॉडी कलर और टॉप में आप रूफ रेल्स को चेक कर सकते हैं। फ्यूल इंटीग्रिया इस तरफ दिया हुआ है, 45 लीटर का इसमें पेट्रोल टैंक मिलता है। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के बैक साइड में और बैक से आपको दिखा देते हैं हुंडई वेन्यू का एस वेरिएंट। ये आप पीछे से चेक कर रहे हैं दोस्तों, ये वेरिएंट सेंसर्स कवर करता है, कैमरा आपको इसमें नहीं मिलेगा। बाकी डिफॉगर, सार्फिन एंटीने को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम टेल लैंप्स की बात करते हैं तो इस वेरिएंट में जो ये टेल लैंप्स हैं वो सिर्फ यहाँ तक देखिए ऑन है, बल्ब लगे हुए हैं, इसमें LED टेल लैंप्स नहीं आते हैं। और ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये पूरी ऑन नहीं होती है, ये जस्ट एक इसमें रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। LED टेल लैंप्स और ये LED स्ट्रिप जो है वो इसके अपर वेरिएंट एस ऑप्शनल से मिलती हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में चेंजेस की बात करते हैं तो सिर्फ एक है, वो है इसके व्हील कैप्स में। अब चलिए फटाफट चलते हैं इस गाड़ी के अंदर की तरफ और अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या हुआ है चेंज और क्या क्या आते हैं इसमें फीचर्स। तो ये देख लीजिए, ये इस गाड़ी का इंटीरियर प्रोफाइल आपके सामने, डुअल टोन इंटीरियर आप देख सकते हैं। ये वेरिएंट हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट को कवर नहीं करता है। इसके अलावा अब मैं इंटीरियर में सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आपको बताऊंगा अपडेट, क्योंकि ये वीडियो मैं मेनली फोकस कर रहा हूं अपडेट्स को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बटन आपको इसमें अब एक्स्ट्रा दिखेगा, वो है ये आइडल स्टॉप एंड गो फीचर अब इसमें बढ़ा दिया गया है। इससे फ़ायदा ये मिलता है अगर आपने इसको ऑन करके रखा है और तब इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक ये देखिए ये ए का मार्क बन के आ जाएगा। अगर गाड़ी ट्रैफिक पे रुकी हुई है तो ये ऑटोमेटिकली इंजन को ऑफ कर देगा, जैसे हम क्लच को प्रेस करेंगे वापस इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फीचर एक नया ऐड किया गया है। इस फीचर के आ जाने से जो है बेनिफिट ये हो जाता है कि जो अननेसेसरी ट्रैफिक में गाड़ी फंसी हुई है, रुकी हुई है, तो जो फ्यूल वेस्ट हो रहा होता है, जल रहा होता है, वो बचने लगता है। तो यहाँ पे एक तरीके का फ्यूल बेनिफिट ये फीचर दिया हुआ है। तो यही एक फीचर इंटीरियर में नया आया है। इसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ें बात करेंगे तो वो सब बिल्कुल सिमिलर मिलती हैं। चारों पार विंडो ये वेरिएंट कवर करता है। आउटसाइड मिरर्स जो है वो मैनुअल फोल्ड आते हैं इसमें, और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स मिल जाते हैं। बाकी स्पीकर्स डोर पे लगे हैं। बैक सीटिंग दिखा देता हूँ, तो देखिए बैक डोर आपके सामने हैं और बैक सीट्स आप इसमें चेक कर लीजिए। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट, सेंटर आर्मरेस्ट ये वेरिएंट कवर नहीं करता है। अच्छी चीज़ है, इस वेरिएंट से रियर एसी वेंट शुरू हो जाता है और नीचे की तरफ दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिए हुए हैं। बाकी ऊपर साइड एक झलक देख लीजिए। मैं क्विकली आपको फीचर्स दिखाता चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में बात नहीं करूँगा। मैं इस गाड़ी के पहले वीडियो बना चुका हूँ तो आप उन वीडियोस को चेक करके ज़्यादा डिटेल में इसको जान सकते हैं। पार्सल ट्रे ये वेरिएंट कवर नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, तो आपको पार्सल ट्रे अगर चाहिए तो अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी। बाकी स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, बाकी व्हील्स की तरह ही सेम स्टील पे है। और अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ वाइज भी सेम है, ये देखिए R15 इंच का दिया हुआ है।
चलिए अब बात करते हैं, हम सीधे आते हैं ड्राइविंग सीट में बैठ के बाकी चीज़ों की। ये आप देख रहे हैं दोस्तों हुंडई वेन्यू एस वेरिएंट को अंदर से, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए एक झलक इस गाड़ी की। इस साइड पे कुछ आपको कप होल्डर्स मिलेंगे, आगे की तरफ यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दोस्तों इसी वेरिएंट से स्टार्ट होता है। इसके बेस एंड वेरिएंट ई है, उसमें फ्रंट आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। बाकी स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा 8 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे फीचर दिए हुए हैं, और जो कि वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ है, यानी वायरलेसली आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये म्यूज़िक सिस्टम 4 स्पीकर्स और फ्रंट में 2 ट्यूटर्स को कवर करता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें नहीं आता, तो जब हम बैक गियर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए पीछे कोई भी कैमरा इसमें शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा राइट साइड पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल के बटन्स मिल जाएंगे। ये देखिए इसमें आपको फुल डिजिटल मीटर दिया हुआ है, जिसमें अभी प्रेजेंट में दोस्तों ये दिखा रहा है स्लीपिंग मोड, यानी कितनी गाड़ी की बैटरी चार्ज है वो शो कर रहा है। इसको जब मैं हटाऊँगा तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर ड्राइव इन्फो में सबसे ऊपर आपको ट्रिप मीटर मिल जाएगा, उसके नीचे इंजन रनिंग टाइम, गाड़ी का माइलेज, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इवन जो आइडल स्टॉप एंड गो का फीचर आया है उसमें कितनी देर तक गाड़ी ने ऑटोमेटिकली अपने आप को बंद रखा, तो उसके यहाँ पे आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके के फीचर्स ये आप इसमें देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे स्पीड और राइट साइड में RPM मीटर दिया हुआ है, टॉप पे डिस्टेंस टू MT चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे टोटल कार कितनी चली है और आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जैसे फीचर्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग पार्ट्स हैं, कई सारी चीज़ों का आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे देखिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप दिया हुआ है, जो कि हर व्हील का प्रेशर दिखाएगा। तो यहाँ पे ये TPMS हाईलाइन टाइप, और इवन अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो इसमें सेफ्टी फीचर्स में दोस्तों कोई भी अपडेट्स नहीं है। यहाँ पे अभी भी इस वेरिएंट में डुअल एयरबैग्स ही आ रहे हैं, फ्रंट में जो 2 एयरबैग्स पहले थे वही आ रहे हैं। जैसे इसके अपर वेरिएंट एस ऑप्शनल ऑनवर्ड जो है 4 एयरबैग्स कर दिए हैं, वो देखिए इसमें नहीं है। यहाँ पर अगर आप फ्रंट पे चेक करिए तो इधर सीटों पे कोई भी एयरबैग्स इस वेरिएंट में नहीं दे रखा है, यानी 4 एयरबैग्स जो है वो ई और एस वेरिएंट में नहीं है। इसके अलावा अपर वेरिएंट्स में आपको एयरबैग्स 4 मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी वाइज कोई भी अपडेट नहीं है। इवन अगर आप ये बटन को चेक करिए जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दोस्तों जब ये 2022 में अपडेट हुई थी तभी ये सब चीज़ें आ चुकी थी। तो यहाँ पे सेफ्टी वाइज कोई भी अपडेट इस गाड़ी पे नहीं है। इंटीरियर में जो अपडेट है वो सिर्फ आइडल स्टॉप एंड गो फीचर का दिया है। AC आपको इसमें मैनुअल मिलता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आगे भी है, 12 वोल्ट का पावर आउट है, पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन दे रखा है, डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर है, और वैनिटी मिरर मिल जाएगा ड्राइविंग साइड पर, इधर वैनिटी मिरर नहीं दे रखा है। और अगर बॉक्स चेक करा दें तो ये देखिए नॉन कूलिंग फीचर के साथ ये वेरिएंट ग्लव बॉक्स कवर करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी अपडेट्स एक्सटीरियर में हुए हैं, इंटीरियर में हुए हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पर ही ये गाड़ी आती है। तीसरा अपडेट आपको और बता देता हूँ जो कि बड़ा है, वो है इसके इंजन में। ये दोस्तों 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन आप चेक कर रहे हैं, जिसमें अगर बात करते हैं पावर एंड टॉर्क की, 83 PS पावर और 3.8 Nm टॉर्क में कोई भी चेंज नहीं है। पहले भी सेम ये पावर एंड टॉर्क जनरेट करती थी, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा डिफरेंस दिया है वो इसके इंजन को फ्यूचर में जो BS6 फेज 2 आने जा रहा है उसके हिसाब से इसको रेडी कर दिया है। RDE कॉम्प्लेंट यानी रियल ड्राइविंग एमिशंस कॉम्प्लेंट ये इंजन हो गया है, जिसमें E20 यानी एथनॉल 20% फ्यूल को ये सपोर्ट करेगा। तो ये दोस्तों मेजर चेंज किया है इसके इंजन में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो फिलहाल अभी कोई डिस्क्लोज नहीं है कि जब फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा BS6 का, उसके बाद जब E20 पेट्रोल इसमें पड़ेगा तो क्या माइलेज में डिफरेंस आएगा। यहाँ पर फिलहाल जो इसका माइलेज पहले क्लेम किया गया था वो तकरीबन 18 का था, तो अभी मैं मान के चलता हूँ इसका माइलेज आप 18 के अप्रॉक्स क्लेम मान के चलिएगा, एक्चुअल माइलेज वेरी करता है। तो टोटल दोस्तों आपने इस गाड़ी के चेंजेस चेक कर लिए हैं, एक तो आइडल स्टॉप एंड गो फीचर, एक्सटीरियर में जो है इसके व्हील कैप्स के कलर को चेंज किया है, और इंजन में जो चेंज हुआ है वो सारी चीज़ें आपने चेक कर ली हैं। साथ में इसमें जो भी फीचर्स आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मैं जल्दी हुंडई वेन्यू के बाकी वेरियंट्स भी आपके सामने लेकर आऊँगा। तो अभी तक दोस्तों आपने कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस अपडेट्स के बारे में आपकी जो भी राय है वो भी आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।